कल से कूनू में 5 दिवसीय फेस्टिवल शुरू। नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शिरकत। खबर कराहल से सामने आ रही है, जहां विश्व विख्यात कूनू सेंचुरी, जहां रफ्तार के राजा चीता निवास करते हैं, वहीं कूनू फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है। पर्यटकों के लिए 50 आधुनिक टेंट सिटी बनाकर तैयार कर दी गई है, जिसमें लग्जरी होटलों से लेकर खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है और 5 दिन तक यहाँ इस कूनू फेस्टिवल को मनाया जाएगा। कल नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से कूनू आ रहे हैं, जहां प्रशासन ने भी हेलीपैड से कूनू आ रहे हैं, जहां प्रशासन ने भी हेलीपैड और तय कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षा संबंधी सारी तैयारियां पूरी कर दी है। सारा प्रशासनिक अमला भी नए सीएम साहब के स्वागत के लिए चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। कूनू फेस्टिवल के तहत 5 दिनों तक कूनू में कई एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जहाँ पर्यटक अब वन्य जीवों का लुफ्त उठा सकेंगे। इसके लिए कूनू सेंचुरी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने बताया कि सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। इतने बड़े आयोजन को लेकर कहीं भी ट्रैफिक प्रभावित ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो टेंट सिटी जो बनाई गई है, जिसके उद्घाटन के लिए कल नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव जी यहां आ रहे हैं। टेंट सिटी में आप देख सकते हैं लग्जरी व्यवस्थाएं की गई हैं, आप बेड देख सकते हैं और तमाम सारे यहाँ पे टेंट में AC भी लगाया गया, इसमें कि जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनको ये परेशानी ना हो, उनको गर्मी का एहसास ना हो। इसके साथ साथ बैठने के लिए सोफे लगाए गए हैं और शानदार एक बाथरूम तैयार किया गया है। यहाँ आप इस बाथरूम को देख सकते हैं, टब है। जो विदेशी पर्यटक आते हैं, जो टब में नहाने का शौक रखते हैं, उनके लिए टब है और वो हर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ट्रेंड सिटी में जो एक लग्जरी होटल में होती है, आप इसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक वेबसाइट पे लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड सिटी बुक कर सकते हैं। कल के बाद से ये अभियान शुरू होगा, ये लगातार चलेगा। कूनो में जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा जो छोड़े गए थे, जो रफ्तार के राजा चीता का छोड़ा गया है, उसका लुफ्त उठाने के लिए पर्यटकों को जो एक परेशानी होती थी कि ठहरने के लिए आसपास कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अब शासन ने उस स्तर की तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। और भी बाहर की तरफ जो लगाए गए हैं, जो दो जो सोफे टाइप के लगाए हैं, जिससे कि लोग बाहर का आनंद ले सकें, एक तरह की बालकनी का इसे रूप दिया गया है। यहाँ बिल्कुल पुराने समय में जो लैंटर्न का एक चलन था, उसको यहाँ दर्शाया गया है, यानी पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं उभारा गया है। वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ वो माहौल भी देखने को पर्यटकों को मिलेगा, क्योंकि आसपास के इलाके पूरे रूरल हैं, तो पुरानी संस्कृति की यहाँ झलक दिखती है। कराल की जो घाटी है, वो उसमें जो घनी आबादी है और जो घाटी जो पहाड़ है, उन्हें देख के कहीं ना कहीं पर्यटक बड़े ही रोमांचित होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ वनों का अच्छा खासा क्षेत्र देखने को। मैं आप देख रहे हैं टेंट सिटी के बाहर का जो नज़ारा, जो तमाम तरह की टेंट सिटियाँ बनाई गई है, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, कलेक्टर साहब हैं और पूरा जिला प्रशासन लगा है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, क्योंकि पहली बार सीएम बनने के बाद पहली बार मोहन यादव जी श्योपुर जिले की कूनू सेंचुरी में पधार रहे हैं। उनके पधारने के बाद से यहाँ पर तमाम विकास के ऐसे मार्ग खुल जाएंगे, पर्यटकों की यहाँ आवाजाही शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी रफ्तार के राजा चीता के दीदार किसी भी जगह नहीं हो सकते, बस वो केवल कूनू सेंचुरी में ही। अभी जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एंटी टूरिज्म का प्रोग्राम है, हेलीपैड यहीं पास में बन रहा है और उसके बाद जो यहाँ इनका कल्चरल एक्टिविटी होगी, उसके बाद जो है फिर यहाँ से वापस जाने का है। लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो हम ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो यहाँ हेलीपैड पर व्यवस्था लगेगी, बाकी अंदर की जो व्यवस्था है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसके हिसाब से व्यवस्था। कितने बजे सर आएंगे सीएम और कितनी देर तक यहाँ रहने वाले हैं? ये अभी टेंटेड प्रोग्राम नहीं आया, टाइम टू टाइम प्रोग्राम नहीं आया, जैसे ही प्रोग्राम आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मुदकर। संतोष जी, क्या तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं चल रही हैं आपकी, किस बेस पर ड्यूटी लगी है? हमारी बेस पर, इस बेस पर ड्यूटी लगी हुई है, हेलीपैड बना के देना है हमको, बैरिकेड्स कराना है, रोलर चलवाना है, उसको कंप्लीट बना के हेलीपैड हैंड ओवर करना है प्रशासन को। तैयारियां कितनी क्या हो गई हैं, कितनी या अधूरी हैं अभी? अभी तैयारियां पूर्ण होने में देरी है, रात तक हम करीब कंप्लीट कर लेंगे उनको। यानी आज रात तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी? हो जाएंगी, थोड़ा बहुत बचेगा वो कल 10 बजे तक कर लेंगे, तो कुछ शेष रहेगा उसको। धर्म सिंह यादव जी, जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो टेंट सिटी बनाई गई है कूनो के लिए, क्या प्रोग्राम है, कल सीएम साहब आने वाले हैं, इसको लेकर क्या चल रहा है वहाँ? ये साहब एक मोदी जी की बहुत बड़ी देन है, उन्होंने हमारे क्षेत्र का विकास के लिए यहाँ पे जो कूनो सेंचुरी है उसके जो उसमें जो बाहर के जो पर्यटक आएंगे ना, उनकी लाने
यहाँ पे एक वो बनवाया है टेंट सिटी के नाम से, टेंट सिटी है उसका नाम भी शायद, तो उसमें कल सीएम साहब का आना तय हो गया है, उसके हेलीपैड वगैरह बन रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा और बहुत अच्छा रहेगा। मतलब सीएम साहब का कार्यक्रम हमारे समाज की तरफ से हम भी सोच रहे हैं कि एक छोटा सा कार्यक्रम रखें, उसका स्वागत करें, क्योंकि अभी अभी सीएम बने हैं और हमारे समाज के नाते 10-15 दिन के अंदर में ही हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम पूरा समाज स्वागत करेगा और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर स्वागत करेंगे। धर्म सिंह जी, क्षेत्र के विषय में अगर बात की जाए तो विगत वर्षों से कई घोषणाएं अधूरी हैं, क्या आप इस बात को वहाँ सीएम साहब के पास उठाएंगे कि जो घोषणाएं अधूरी हैं उनको पूरा किया जाए? जी जी विक्की भैया, बहुत अच्छा आपने मतलब ध्यान आकर्षित करवाया सीएम साहब का। वाकई में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और इधर में घाटी नीचे तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, अधिकारियों का भी बहुत कम इधर ध्यान रहता है, तो आपने बताया हम भी सीएम साहब को इसका संकेत देंगे, तो हमें आशा है कि वो जो छूटी हुई योजना है इनकी जो क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा उनको सही से वो करेंगे, हमें आशा है ऐसी। ठीक।